हेलो राजीव शुक्ला जी बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर निशान बोल रहा हूँ भाई साहब। जी सर, मैं नमस्कार। राजू। नमस्कार नमस्कार जी। और सर जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया है। जी सर, मैं बहुत एकदम। सारे कमेंट मिल रहे थे। एक वीडियो आपके साथ आपको बनाया था 10 महीने पहले, शायद आपको ध्यान होगा। काफी जी, काफी वायरल हुआ था काफी वीडियो। वायरल हुआ है वीडियो। 52,000 व्यूज आए हैं। बहुत जी सारे कमेंट उस पर भी पड़े हुए थे। जी 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 उसमें सर आपने एक बात कही थी कि भाई हम तैयारी कर रहे हैं कि हाईकोर्ट जाएंगे। जी सर जी सर तो मुझे पता चला है कि भाई उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार को लेकर कोर्ट में केस डाल दिया गया, हाई कोर्ट में, इलाहाबाद जी में। सर जी सर तो जी उसके सर ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं राजीव जी सर जी। और मेन जो मुखिया है उस केस के, वो आप ही है, मुझे मालूम है ये भी। हाँ, जी सर, ये तो आप लोगों तो के ये ध्यान में इतिहास सर। में पहली बार ऐसा हो रहा है कि यार ग्राम चौकीदारों के लिए कोई केस डाला गया है आपके द्वारा। जी सर, ये सब आप लोगों की दुआएं हैं, ईश्वर की कृपा है सर। जी, तो उस पर पूरी जी बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। लेकिन जी आपका ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी परमिशन मैं आपसे चाहूंगा कि आप परमिशन दें मुझे कि मैं आपका ऑडियो रिकॉर्ड जी करूं। जी हाँ सर, कर और सकते हैं आप। आपका नंबर भी फ्लैश कर रहा हूं मैं स्क्रीन पर, उस नंबर जी को फ्लैश करने की भी परमिशन आप दें तो जी सर, अच्छा बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल क्योंकि कर यार दो आप। आपकी बिना परमिशन के हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सर कर सकते हैं आप, ठीक है। बिल्कुल और मैं सभी जितने भी हमारे ग्राम चौकीदार भाई है उनसे कहूंगा कि अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो राजीव भैया का नंबर उनके फोटो के ठीक नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा, दिख रहा होगा, उस पर जी कॉल करके राजीव भैया से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी सर जी सर एक बात और कहना चाहूंगा भाइयों से कि भाई हम कोई भी वीडियो बनाते हैं वो बेट प्रूफ बनाते हैं। जी कोई सर भी वीडियो इधर उधर से नहीं लाते, ना कोई मसाला ना कोई तड़का, केवल एक सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। जी सर जी तो सर उसी को लेकर हम लोग ये कड़ी शुरू किए हैं ग्राम चौकीदार को लेकर, कि भाई आगे कोर्ट में होने क्या वाला है वो बात करेंगे। आपने जो केस डाला है उस केस में कितना दम है, कौन वकील है, कौन पार्टी बनाया गया है, किसके द्वारा किया गया, ये सब कुछ बातें करने वाले हैं। तो राजीव जी भैया आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है मुझे लगता है। जी सर जी सर बिल्कुल। ये और जो भी आपका भाई हमारे देख रहे वीडियो हैं उनसे भी कह दीजिए कि आप इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी भाइयों तक जी हाँ, पहुंचे मैं वीडियो। उनसे कहूंगा कि शेयर करें और जो है लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जो है हमको भी हौसला मिले। हम भी वीडियो को देखता हूँ तो जी देखता हूँ कि इतने लोगों ने, हम तो कुछ और लोगों से कहते भी नहीं है, केवल वो अगर कमेंट ही कर देते हैं जी और लाइक शेयर कर देते हैं तो उसी से हमें भी आत्मबल मिल जाता है कि इतने लोगों ने वीडियो को देखा और उसके बावजूद में अपना कमेंट किया। जी जी राजीव भैया। अच्छा राजीव भैया, पहले आप अपने बारे में कुछ परिचय दीजिए अपना, ताकि जो नए जी लोग देख रहे हैं उनको तो पता चले। जी जी मैं राजीव शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट जिला मेरा गोंडा है, तहसील करनलगंज, थाना कटरा बाजार, एक ग्राम सभा पिपरी माझा है, जी उसी का मैं चौकीदार हूँ वेरी गुड। सर। मेरी स्नातक की डिग्री है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। अच्छा, ग्रेजुएशन किया हुआ आपने, जी, बहुत अच्छा है। उसके बावजूद मैं चौकीदार विभाग में, जब मैं सर, मेरी नियुक्ति 30 दिसंबर 2019 की है। तो आपने ग्रेजुएशन करते हुए चौकीदार बनने की क्यों सोचा, क्या वजह रखी इसकी? कुछ सर ऐसे हालात आग उत्पन्न हो गए, हाँ, कुछ पारिवारिक हालात ऐसे हो गए। हाँ हालात हो गए, और जो है मैं कोई कंपटीशन के लिए एडमिशन कराया था, मैं नहीं कर सका। अच्छा, अंत में हालात को देखते हुए फिर मैं इसमें आया, तो किसी ने मुझे सलाह दिया जी कि अच्छे को लोग अच्छा बनाते हैं, लेकिन जब कोई बुरा को अच्छा बनाए तब जी तो उसकी अच्छाई काबिलियत है। जैसे नया चीज तो मिस्त्री लोग सभी लोग बना देते हैं, लेकिन असलियत में मिस्त्री वही होता है जो पुराने सामानों को रिपेयर करके ठीक कर दे। तो वेरी गुड। उसी पर हमने नहीं, ध्यान तो दिया मुझे और लगता मैंने है कि इसको। आप इसमें आए तो एक मुझे एक बड़ा बदलाव की आहट दिख रही है, तो गुहाट हो रही है बड़े बदलाव की। जी सर, तो बड़ा बदलाव बिल्कुल निश्चित होगा, 101% होगा, क्योंकि जी सर चौकीदार विभाग जो है जी जी इसको हमारे पुलिस रेगुलेशन एक्ट में ग्रामीण पुलिस कहा गया है। जी और चौकीदार विभाग जैसे होमगार्ड आप देखते हैं, पीआरडी देखते हैं, जी ये भी शासन प्रशासन का एक मुख्य अंग ही है, जी लेकिन एक कंपनी के तहत में आते हैं। लेकिन हमारा पुलिस रेगुलेशन से संबंध रखता है, जी और हमारा एक्ट जो सर बना हुआ है 1873 का एक्ट है, 1873 1873 का एक्ट है, ग्रामीण पुलिस रोड पुलिस एक्ट के तहत में हमारा एक्ट है सर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, हाई लेकिन कोर्ट में आपने केस डाला, उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं। हम प्रकाश डाल रहे हैं सर, उसी कड़ी में मैं पहुंच रहा हूँ, बस संक्षेप में 1 मिनट का समय और लेंगे इस जी पर। जी तो मैंने यहाँ आकर के वर्षों अध्ययन किया, जी उसके बावजूद मैं ग्रुप जोड़ करके फिर मैंने अध्ययन किया, तो अध्ययन करने के बाद मुझे ये दिखाई दिया कि चौकीदार विभाग वास्तव में एक अहम विभाग है। जी जैसे देश प्रदेश का खुफिया विभाग होता है, वैसे ग्रामीण अंचल में ये ग्राम चौकीदार है। वेरी गुड। लेकिन इस पर या तो लोगों ने अच्छे ढंग से लड़ाई नहीं लड़ी,
या उनको जानकारी नहीं प्राप्त थी, और कुछ लोगों को जानकारी अगर प्राप्त थी तो वो निजी स्वार्थ में आकर के चौकीदार विभाग के भविष्य का नष्ट कर दिया। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद आने के बावजूद सर मैंने धरना प्रदर्शन भी करवाया, मुख्य सचिव से भी मिले, उसके बावजूद मैं पर्सनल जाकर के मैं गोरखपुर जो है एडीजी साहब से मिला, उसके बावजूद मैं वहाँ के जो महंत है इस समय मुख्यमंत्री के न रहने के बाद जिसके बाद प्रभार है, मैं उनसे जाकर के मिला, राज्यपाल, डीजीपी, एडीजी, मुख्य सचिव, गृह सचिव आदि लोगों से मिलने के बावजूद में जी। हमने इसी 15 अगस्त जो 2022 को गोरखपुर चौरी चौरा से पैदल यात्रा भी निकालने का प्रयास किया। अच्छा अच्छा। हालांकि प्रशासन के दबाव में वो यात्रा मतलब नहीं निकाल पाए हम लोग जी जी। और उस समय वहाँ के तत्कालीन सांसद और जो है वहाँ के विधायक जी आ करके मुख्यमंत्री के निर्देश पर आश्वासन भी दिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ जी। लेकिन निचोड़ में हम लोग पहुंचे कि हम लोग कोर्ट केस करें जी, क्योंकि सब कहीं जाने के बावजूद में अंत में निर्णय आया कि जब तक हम कोर्ट केस नहीं करेंगे तब तक फाइनल नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा। अब कोर्ट केस करने के लिए कई अहम चीज होते हैं जी। एक तो एक अच्छा वकील होना चाहिए, मेन पॉइंट तो वही होता है। हाँ, वकील अच्छा होना चाहिए। अच्छा, आपने कौन वकील किए? वकील शैलेश वर्मा जी हैं, जो होमगार्डों का लड़कर के शैलेश वर्मा जी बहुत अच्छे वकील हैं भाई, बहुत अच्छे। और क्योंकि होमगार्ड को जो जीत मिली है उत्तर प्रदेश होमगार्ड को, वो शैलेश वर्मा जी की ही देन है। अब पीआईडी का भी केस लड़ रहे हैं इस वक्त उनको, इसके बारे में काफी उन्होंने जीत दर्ज कराई है। बहुत एक अच्छे वकील है, सम्मानित वकील है जी जी। और फिर आपने ये केस कब फाइल किया? जी, मैं ये केस को चुनने के पहले सर मैं उसी पर आना चाहूंगा जी जी। फिर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमारे विभाग को जो कुछ 2-4% होशियार लोग थे जी, उन्होंने खोखला कर दिया था, तो चौकीदार विभाग किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था। अच्छा, कि अगर हम विश्वास करें तो किसके ऊपर करें, क्योंकि जहां चौकीदार भाई गए वहां पर वो ठगे गए, महसूस किए गए। तो हमने अध्ययन करने के बावजूद में हमने ये पाया जी कि ये प्रतिनिधित्व अगर हम सभी चौकीदार बंधुओं को दे देंगे तो हम ज्यादा शिक्षक होंगे। वेरी गुड। और मैंने सभी का आह्वान किया कि जो अपने थाने पर है या फलाह पर जो साथ में ड्यूटी करते हैं या तहसील वाइज या जिला वाइज जो जिसके ऊपर विश्वास करे जी, उस विश्वास के अंतर्गत अपना प्रतिनिधित्व करे, प्रतिनिधित्व करके और 5 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे। 5 सितंबर 2022 को जी सर। ठीक है। तो उससे पहले हम लोग एक बार जाकर के वकील साहब से मिल आए थे, 5-6-7 जगह के लोग थे, कम से कम 40-45 लोग। हाँ हाँ, पहले तैयारी कर ली थी। हाँ, पहले तैयारी बातचीत करके आए थे। 5 सितंबर को गए, अपना जो कागज पत्र, आधार, नियुक्ति प्रमाण पत्र, हाँ हाँ, डॉक्यूमेंट सब पहुँचा दिए जी, जो कोर्ट फीस होती है आज की जो है वकील साहब को दे करके, देने के बावजूद में हम लोगों ने 1-1.5 महीने तो लग गए जो है, जैसे नाम फीडिंग है। हाँ, वो तो लग जाता है, रिट तैयार करना जी जी। और रिट तैयार करके ये मानकर चलिए सर 19 हमारी रिट तो कंप्लीट हो गई थी, दाखिल तो 16 अक्टूबर 2022 को हो गई थी जी जी, लेकिन पूर्णतया दाखिल हुई है 19 अक्टूबर 2016। अच्छा, 19 अक्टूबर 2016 को जी, 19 अक्टूबर 2022 को आपकी रिट जो है फाइल कर ली गई। हाँ, 19 अक्टूबर 2022 को हमारी रिट फाइनल कर दी गई। ठीक है। अब उसके बाद इसमें कितनी तारीखें पड़ी? अब सर इसके बाद में उसका जो प्रोसीजर होता है जी, कि केस को रिसीव किया गया, फिर केस हमारे सब चेक किए गए और केस चेक करने के बावजूद में फिर नव संख्या मिला 15 दिन के बावजूद में। अच्छा, केस नंबर भी बता दीजिए जवानों को। हाँ, केस नंबर सर जो है मैं बता रहा हूँ, उसके बावजूद में हम लोगों को ये मिलने के बावजूद में हमारी पहली तारीख लगी हुई थी 21 नवंबर 2022। अच्छा अच्छा, 21 नवंबर को पहली तारीख लग गई। हाँ, पहली तारीख 21 नवंबर 2022 को लगी हुई थी जी। हमारा केस नंबर सर है 18956/2022। 18956/2022 मैंने स्क्रीन पर भी फ्लैश कर दिया है जी जी जी, स्क्रीन पर भी मैंने दिखा दिया, अगर कोई देखना चाहे देख सकता है, अपने सर्च करके हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर सर्च हो जाता है आसानी से। जी जी जी, हाँ, आसानी से देख सकता है जी जी, मैंने फ्लैश कर दिया स्क्रीन पर जी जी। मेरी तारीख 21 तारीख लगी, 21 जो है नवंबर 2022 को जी। दूसरी तारीख फिर 4 दिन के बाद में लगी जी, 25 नवंबर 2022 को जी। और फिर तारीख हमारी जा करके फिर लगी 14 दिसंबर 2022 को। ठीक है। फिर उसके बावजूद में जो है सरकार ने 4 हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि आप तो सर समझते हैं कि कोर्ट करने के बावजूद में एडीजी डीजीपी और नहीं, जो कोर्ट है में काफी टाइम लगता है जी। हाँ, सबको नोटिस होती है। हाँ, नोटिस तो
हाँ, तो नोटिस का जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का जो है सरकार ने समय मांगा है, और 2 हफ्ते जो है कोर्ट ने वकील को निर्देश दिया है कि आप अपनी तैयारी कर लीजिए। ठीक है, वेरी गुड जी। 22 फरवरी 2023 को हमारा 22 फरवरी 2023 को अगली तारीख 4th तारीख है। जी 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 सर जी। चलिए बहुत अच्छी बात है, 22 फरवरी को, बीच में अब कोर्ट की छुट्टियां भी हो रही हैं। जी 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 जी। तो 22 फरवरी को 4th तारीख है। अब जवान जानना चाहेंगे कि इसमें आपने मुद्दे कौन कौन से हाईलाइट किए, कौन कौन से मुद्दे दिखाए गए। जी जी, मैंने मुद्दा ये हाईलाइट किया क्योंकि चौकीदार विभाग एक ऐसा विभाग है कि वो जो है बैंक ड्यूटी से लेकर के जी, और जो है बैंक ड्यूटी रात में रात्रि गश्त पहरा और कंप्यूटर चलाना गाड़ी चलाना आदि हमारे चौकीदार भाई करते चले आ रहे हैं सभी काम, लेकिन उनको उचित दाम नहीं मिल पा रहा। और सरकार जब जाओ तो सरकार की ये कहकर टाल देती है जी कि आपको मैं थाने पर 2 दिन के लिए बुलाता हूँ तो उसके 1250 रुपए प्रतिदिन देता हूँ। अच्छा, तो हम लोग जब पूछते हैं कि अगर 14 दिन के बाद 15वें दिन हम लोगों को थाने पर बुलाया जाता है जी। ये 1873 की बात है जब थाने 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर दूरी पर हुआ करते थे तब। सही बात है। और आज के युग में थाना हर थाना 12 किलोमीटर 14 किलोमीटर के अंतर्गत है और अगर इससे अधिक है तो पुलिस चौकियां निर्धारित की गई। सही बात है। अब सवारी की भी व्यवस्था बहुत है, सवारी की मोटरसाइकिल साइकिल सारी चीज व्यवस्था हो गई है जी जी। तो हमारा चौकीदार भाई जो है दिन प्रतिदिन डेली वो ड्यूटी करता है जी जी, ग्रामीण अंचल में भी बराबर ड्यूटी करता है जी। तो हम लोगों ने वकील साहब से जाकर के पूरी बात बताई, उन्होंने हमारे पुलिस रेगुलेशन को अध्ययन किया, बिहार झारखंड का जियो दिखाया क्योंकि बिहार में हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है बिहार में, और जी बिहार में, और उसके बावजूद में अभी लमसम में 2 वर्ष हुए हैं जो है झारखंड हाईकोर्ट में जी जी हाईकोर्ट के आदेश पर जो है वहाँ के चौकीदारों को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त हो चुका है। अच्छा, तो बिहार और झारखंड को आपने लिया साथ में। जी जी, साथ में लिया है, उसी को मैंने दिखाया है जी जी। और इसी पर तो वकील साहब से चर्चा हुई तो वकील साहब ने एक बात उनको बताई जी कि जैसे किसी व्यक्ति के पास में रोटी और कपड़ा दोनों चीज नहीं है तो सबसे पहले उसको रोटी की व्यवस्था की जाए भूख की, उसके बावजूद में कपड़े की। तो राज्य कर्मचारी का दर्जा में आपके थोड़ा समय लग सकता है जी, लेकिन हम न्यूनतम मजदूरी जो है ये तो हम आपको दिलवा सकते हैं क्योंकि ये उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय यानी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का समान कार्य समान वेतन जी जी समान कार्य समान वेतन। तो न्यूनतम वेतन आप मांग करें, सबसे पहले जो मांग है वो न्यूनतम वेतन की मांग है। अच्छा, पुलिस में जो कर्मचारी होता है वो शायद फॉलोवर होता है मेरे ख्याल से सबसे न्यूनतम में जी जी, उसी का फायदा यूपी गवर्नमेंट ने लिया तो होमगार्ड्स को फॉलोवर के बराबर शायद दिया है वेतन 600 रुपए मानदेय रोज का दिया हुआ है जी, तो न्यूनतम अगर आप पुलिस का लगाएं तो 600 रुपए आप भी मांग ही रहे हैं वही जी जी, 600 रुपए प्लस डीए जी 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 जो होता है। अगर अगर आपका लागू होता है आप कोर्ट से जीतते हैं तो आप होमगार्ड के मानदेय के बराबर वेतन आपको मिलने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, हमारे में एक सुविधा और है जी, हमारे में आउजी चलता है जिसको वरासत सिस्टम कहते हैं जी। जैसे मान लो किसी का पिता कर रहा है और पिता अगर मतलब बुजुर्ग हो गया या बीच में उम्र पूरा करके एक्सपायर कर गया तो वो नौकरी उसके पुत्र को प्रदान की जाती है। अच्छा, रिटायरमेंट एज नहीं होती है। रिटायरमेंट एज नहीं है उसमें, आपके यहाँ रिटायरमेंट एज नहीं है तो ये भी फायदा, अगर न्यूनतम वेतन मिलता है तो इसका फायदा पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकता है जी जी हाँ। तो वकील साहब ने यही हिदायत दी कि अगर आपको न्यूनतम मजदूरी मिल रही है 25-26 हजार रुपए मिल रहे हैं जी, और उसके बावजूद में आप परमानेंट कभी रिटायर नहीं होते हैं, परमानेंट बराबर कार्य करते चले जा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। और यदि आपको चाहिए तो आपको जो है बिहार और झारखंड में राज्य कर्मचारी का दर्जा प्राप्त है तो उत्तर प्रदेश में भी आपको प्राप्त होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में यही चीज दिखा करके मैं आपको दिलवाऊंगा जी। अच्छा, पहला ये मेन हाईलाइट यही किया गया इस मुकदमे में कि आपको न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। न्यूनतम वेतन जी 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 जी, न्यूनतम वेतन। बहुत बढ़िया। तो यार ये एक अच्छी मांग है, एक तो अच्छी बात यह कि आपका रिटायरमेंट नहीं होता जी जी जी, ठीक है, और आप अपना जॉब अपने बेटे को या बेटी भी आती है क्या इसमें, फीमेल भी आती जी, है जी हाँ, बेटी भी आती है, बेटा भी आता है। अच्छा, और जो है पुत्र वधू आती है, यानी पत्नी आती है, जो भी है परिवार का आश्रित में आ जाते हैं तो वो भी एक फायदा है जी, जी, अगर आपको न्यूनतम वेतन मिलता है तो आपको अगर मिलने लगा तो जाहिर सी बात है फिर वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, आपके बेटों को भी मिलेगा जाहिर सी बात है ना। तो एक अच्छा बात बताई आपने, ये बात मुझे पता नहीं थी, मैं तो सोचता था कि भाई चौकीदार की भी कोई रिटायरमेंट होती होगी जी, ये जानकारी एक अच्छी दिया है।
जी जी। अच्छा फिर आगे आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कितने लोगों को लेकर आपने ये मुकदमा किया है, कितने लोगों को फायदा मिल सकता है, आगे की प्लानिंग क्या है उसके बारे में बताइए कुछ। जी जी, जैसे सर हम जब इस विवाद में आया तो काफी विवाद को हमारे खोखला कर दिया गया था जी, चंदे के नाम पर उगाही और जो है कोर्ट के नाम पर, लेकिन कोई केस हल नहीं हुआ जी। तो हमने सभी को प्रतिनिधित्व किया कि अपना अपना कोर्ट फीस जो वकील साहब को उचित होता है देने के लिए वो ले जा करके अपने अपने हाथों से स्वयं दे। जैसे एक व्यक्ति के खाते पर अगर संगठन का पैसा आ जाता है जज देव द्वारा, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक लालच उत्पन्न हो जाती है। मतलब आपने ट्रांसपेरेंसी बनाने की पूरी कोशिश की है। जी जी जी, अपने हाथ बनाए आपने पूरी। जी 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 जी, पैसा अपने हाथ में नहीं लेना जी, कल को मुझे हिसाब देना पड़े। अपना पैसा अपने आप ले चल करके वकील साहब को अपना खुद जा करके दीजिए। हाँ, मतलब तारीखों पर जाएं और वकील साहब को आप खुद दें। जी, जी खुद दें और उसके बावजूद में मुकदमे की पैरवी की बात रह गई, वकील साहब से मिलने जुलने की बात रह गई जी, वो मैं जा करके मिलता जुलता रहूंगा, कार्य करता रहूंगा और समय समय पर वकील साहब का ऑडियो या जो है वीडियो बनवा करके या रिकॉर्डिंग करके लोगों को उपलब्ध कराता रहूंगा कि आपकी पेशी जी आपकी पेशी पर इतना कार्रवाई है। जी और सबसे अहम मुद्दा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा जी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विभाग हैं जी और सभी विभागों में और जो है चौकीदार विभाग में ये पहला मुकदमा ऐसा मेरा हुआ है जी कि जिसमें किसी भी प्रकार का जो है गलत कार्य मतलब हेरा फेरी नहीं हुआ, सभी लोगों को बराबर प्रतिनिधित्व मिला है, जा करके अपने अपने हाथों से वकील साहब को पैसा दिया है। अच्छा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और उसके साथ बावजूद में धैर्य बनाए रखें। कोर्ट की लड़ाई कुछ नहीं कह सकते कि कब तक निपटेगी, ये नहीं कह सकते। जी 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 जी, इसमें बहुत ज्यादा धैर्य बनाने की जरूरत होती है। और मेरे नाम से अगर कोई चंदा उनसे मांगता है जी या किसी प्रकार की बात करता है तो बिना मेरे जो है मेरा नंबर आप दिखा रहे हैं प्लेस पर जी जी, बिना मेरी पुष्टि को किसी को एक रुपए नहीं देना है। 1486 लोगों ने मिलकर के कोर्ट केस कर दिया गया है। अच्छा, 1486 लोग इसमें हैं जी, 1486। और सर ये आप तो समझ ही रहे हैं कि अगर ये आदेश आएगा जी तो संभवतः ये सभी के लिए आदेश आएगा। हाँ, 90% तो चांस है कि पूरे मतलब जितने भी ग्राम चौकीदार हैं सभी के लिए आएगा। जी 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 जी, लेकिन 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 सर अगर बाई चांस जी एक परसेंट अगर 1486 के लिए ही आता है तो ये और आसान हो जाएगा, उसी की कॉपी ले जा करके 3 महीने के अंदर पुनः हम अगर क्रेडिट दायर कर देंगे, बाकी बचे हुए सब ले सकते हैं। तो बाकी बचे हुए जो जिस दिन से हम लोग पाएंगे उसी दिन से सभी लोग पाना चालू हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है और इसमें लोग इतने हैं कि भाई अच्छी बात है, लड़ाई भी अच्छी हो जाएगी, जितने ज्यादा लोग होते हैं उतनी लड़ाई अच्छी होती है। जी 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 जी, तो ये अच्छा आपने शुरुआत की, इससे काफी ज्यादा फायदा भी होगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इस वक्त लगभग आपके अंदाज से आपकी नॉलेज में कितने ग्राम चौकीदार भाई हैं? समथिंग सर 70,000 के आसपास होंगे, क्योंकि 2019 में जब मेरी नियुक्ति हुई थी जी उस समय 68,337 चौकीदार बंधु थे जी, लेकिन काफी जगह रिक्त पड़ी हुई थी क्योंकि उस समय भर्ती पर पाबंद लगा हुआ था। अच्छा, इसके बावजूद में भर्तियां खुली है, काफी भर्ती हुई है, तो मेरे ख्याल से 70,000 के आसपास में चौकीदार बंधु होंगे। यानी जितनी ग्राम सभा है सर उतने चौकीदार बंधु हैं, लेकिन जो ग्राम सभा बड़ी है या जिस ग्राम सभा में राजस्व गांव एक से अधिक है, 2 राजस्व गांव या 3 राजस्व गांव है जी, वहां पर 2-3 है, यानी 1 राजस्व गांव पर 1 चौकीदार की नियुक्ति किया जाता है। तो 70,000 के आसपास ग्राम चौकीदार हैं इस वक्त। जी जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है कि यार संख्या भी अच्छी है, जितनी ज्यादा संख्या होगी इतनी ज्यादा ताकत भी होगी और आपने नॉलेज बहुत दे दी, जानकारी बहुत ज्यादा दे दी और सबसे खुशी ये हुई कि हाँ भाई एक जो आपने एक बात कही ना कि यार पैसा मैं अपने हाथ में नहीं लूंगा, पैसा आप सीधे जो भी केस लड़ा जा रहा है इसका पैसा आप सीधे वकील साहब को दीजिए, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे। वरना अक्सर लोग इसी लालच में मुकदमे करते हैं कि उनका पेट भर जाए, मैं तो क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, खाते पर आता कुछ और है, वकील साहब को देते कुछ और है, ये केस लंबा खींच जाता है, उसके बावजूद में भला नहीं आज तक पता ही नहीं चलता है कि भाई वकील साहब की फीस क्या है, कभी पता नहीं चलता किसी भी विभाग के केस का, मैं ये देखता हूँ। जी जी, लेकिन ये पहली बार किसी भी विभाग में ऐसा मुकदमा ना, पहली बार मुकदमा हो कि अपनी चीज चल करके अपने हाथों से वकील साहब को दे। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आखिर में कुछ ऐसा बोलिए कि भाई जो ग्राम चौकीदार हमारे भाई हैं लगभग 70,000 उत्तर प्रदेश में,
उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जरा थोड़ा सा उत्साहित हो जाए वो भी। हाँ, मैं उनके उनसे ये कहना चाहूंगा कि इसके बीच में हम लोग जो है मुख्यमंत्री और जो है डीजीपी और एडीजी सब लोगों से जाकर के मिल रहे हैं जी। आप लोग भी हौसला बनाए रखें और जो भी वीडियो आप हमारी देखें उसको जो है, अब आप इतनी मेहनत से जो है आप वीडियो बनाते हैं, मैं उसके बोलकर देता हूँ तो उसे कमेंट ज्यादा से ज्यादा लोग करें कि ताकि जब मैं सभी वीडियो को देखूं तो मुझे हाँ। भी अच्छा लगे कि जो कार्य कर रहा हूँ उसके प्रति में आप लोग कितना समर्थन दे रहे हैं कितना समर्थन नहीं दे रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं, ये मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं, सामने वाले के बारे में बताते हैं कि भाई आप हम आपके साथ हैं, कुछ भी लिख देते हैं तो उससे काफी मोटिवेशन मिलता है, ताकत बहुत ज्यादा मिल जाती है। जी जी, क्योंकि ये लड़ाई हम 1486 लोग मिल करके 70,000 लोगों के लिए लड़ रहे हैं, किसी से एक पैसा नहीं मांगा जा रहा है, बिल्कुल कायदे की बात है। हाँ, न किसी से कुछ मांगा जा रहा है, तो एक बार अपने कमेंट को लिखें और उसके बावजूद में आप लोग संगठित रहें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है अपने ड्यूटी को करते हुए, अपने जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको मैं ये आह्वान करूंगा कि आप फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी दिखाते रहें कि मैं बैंक ड्यूटी कर रहा हूं, मैं जो है रात्रि गश्त कर रहा हूं। हाँ। और बीच में अपने अधिकारियों को लेटर के माध्यम से मिल करके अपनी समस्याओं को उपलब्ध कराते रहें। नहीं, आपने मुझे याद दिलाया, ट्विटर तो एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी मांग उठा सकते हैं आसानी से, और लड़ाई जो है हर तरीके से लड़ी जाए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी लड़ी जाए, जमीनी लड़ाई भी लड़ी जाए, इसके अलावा कोर्ट की लड़ाई भी लड़ी जाए, तभी मेरे हिसाब से सक्सेस मिलने वाली है। जी सर, मैंने ये देखा है सर जी कि अन्य लोग क्या करते हैं कि कार्य कम करते हैं लेकिन दिखावा ज्यादा करते हैं, लेकिन चौकीदार विभाग एक ऐसा है कि कार्य बहुत अधिक करता है वो दिखावा नहीं करता, कम करता है, करता ही नहीं है। क्योंकि पुलिस विभाग एक ऐसा विभाग है जब कोई बड़े अंजाम को घटना को वारदात देता है और सफलता हासिल करता है तो वो अपने हेडिंग राइटिंग में लिखता है कि मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त के आधार पर इस केस को सॉल्व किया गया। हाँ, मुखबिर को कुछ नहीं मिलता, लेकिन और मुखबिर को मिलता क्या है, मुखबिर को मिलता है सर क्या मिलता है, गांव में बैर हो जाता है, दुश्मनी हो जाती है, और चारों तरफ से गालियां मिलती हैं, फिर वही लोग जाकर के हम लोगों को सताते हैं और हम लोगों के साथ ये बात सही है, आप फ्रंट लाइन है इसका मतलब, आप फ्रंट में है बिल्कुल। जी जी, और रह गए सर एक केस को, मैं अहम चीज मैं भूल गया था जी, इस केस को हमारी ज्यादा मजबूती इसलिए मिल गई है कि राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष जो न्यायमूर्ति जयंत मित्तल साहब थे जी जी, उन्होंने 21 नवंबर 2021 को अपनी रिपोर्ट जो है गृह विभाग को सौंप दिया है। अच्छा अच्छा, 2.5 वर्षों अध्ययन करने के बावजूद में, तो उन्होंने विभिन्न राज्यों पर अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश में भी अध्ययन किया। अच्छा अच्छा, तो उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश की सारी व्यवस्थाएं, पुलिस की व्यवस्थाएं हो चाहे अर्थव्यवस्था की व्यवस्थाएं हो चाहे भ्रष्टाचार की व्यवस्थाएं हो, चौकीदार की अहम भूमिका होती है लेकिन उनको उचित पारिश्रमिक नहीं मिल पा रहा हूं। बिल्कुल, सबसे अहम भूमिका है भाई। जी जी, तो उन्होंने हमारे लिए मापदंड ड्यूटी का वर्दी का जो है और अन्य चीजें, सामाजिक सुरक्षा तक नहीं है यार, कोई सामाजिक सुरक्षा तक नहीं है, तो उन्होंने जो है बीमा का प्रावधान, वेतन की, वर्दी की और जो होना चाहिए, जी जी, हथियार की सारी जो प्रशिक्षण की व्यवस्था सभी करके जो है सरकार को सौंप दिया है जी। तो उसके माध्यम से भी चर्चाएं चल रही हैं और अभी गोरखपुर एडीजी साहब ने भी बड़ी हमारे लिए पहल किया है, वर्दी के लिए हम लोग गए थे मिले थे, क्योंकि सर अभी तक हमको कमीज और धोती पहनने के लिए दिया जाता था और जो है साफा दिया जाता था। अच्छा अच्छा, लेकिन जब जा करके उनसे मिले, अपनी समस्याओं को अवगत कराया, तो उनकी पहल पर जो है धोती को बदल करके पैंट यानी पूरी वर्दी जो है, जैसे होमगार्ड की वर्दी पुलिस की आप देखते हैं जी जी, तो उसी प्रकार की वर्दी यूपीबीसी के नाम से बिल्ला, ये आज हम लोगों ने मांग किया, इस पर जो है सभी कौन सा बिल्ला? जी जी, कौन सा बिल्ला? पहली बिल्ला यूपीबीसी, उत्तर प्रदेश विलेज बीसी, उत्तर प्रदेश विलेज कांस्टेबल, विलेज कांस्टेबल, अच्छा वीसी, वीसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी जी। और ये हम लोगों की लड़ाई पहली बार लड़ाई है कि ये पहली बार हमारे ध्यान से हुआ है जी, कि पहले क्या होता था कि सरकार अपने मन से कर देती थी या कोई कार्य जो करती थी उन नेताओं जो हमारे में होते थे वो ऐसे कुछ भी जो सिस्टम रहा हो, लेकिन इस बार हर थाने पर हर जिले पर जो है चौकीदार बंधुओं से पूछ करके किया गया है कि आपको वर्दी में क्या पहन चाहिए कि धोती पहनना पसंद करें। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो हर थाने हर जिले पर कप्तान साहब या इंस्पेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग की गई है जी जी। और सभी लोगों ने अपनी संस्कृति दी है कि नहीं मुझे जो है पैंट चाहिए, वर्दी चाहिए पूरी जी जी, सही है, बहुत तो अच्छा। उस पर भी शासन में चर्चाएं चल रही है। हाँ हाँ, मेरे पास भी न्यूज आई थी इस टाइप की। जी जी जी, और जो है राज्य विधि आयोग की रिपोर्ट पर भी सरकार के यहाँ, क्योंकि जब मैं मुख्य सचिव से मिला था जी,
तो उन्होंने कहा था कि आपके राज्य विधि आयोग पर जो है इस पर जो है कमेटी बैठेगी, अध्ययन करेगी हमारे यहाँ भी, और इसमें काफी कुछ जोड़ना घटाना होगा जी। तो उस पर चर्चाएं चलेंगी, उसके बाद जून में आपके लिए लागू किया जाएगा। तो शायद कुछ मुझे जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि शायद उस पर भी चर्चाएं चल रही हैं। अच्छी बात है, आप काफी संघर्ष रहते हैं यहाँ पर ग्राम चौकीदारों के लिए, और यही एक फायदा होता है कि भाई एजुकेटेड भी यहाँ पर ग्रेजुएशन किया हुआ आप, ऐसी बात है। तो एक तरीके से आपकी लड़ाई का जो तरीका है वो भी एक तरीके से है, ये नहीं कि एकदम डायरेक्ट कहीं और पहुंचाना है, पहुंचाना। जी जी, बहुत कुछ अच्छा लगा और आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, जानकारी भी हमारे चौकीदार भाइयों को सब हो गई होगी। अगर भाई आपसे बात करने के बाद भी कोई भी सवाल रह गया तो मैं भाइयों से कहूंगा कि नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें कि भाई आप राजीव जी से क्या जानकारी चाहते हैं, आपके हिसाब से इस विभाग में क्या बदलाव होना चाहिए, आपकी मांग क्या है, जो भी आपकी मांग हो, जो भी आपकी राय हो, जो भी आपका सुझाव हो, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और कुछ आखिर में कुछ बोल दीजिए ताकि जरा थोड़ा उत्साहित हो जाए। अच्छा, और सभी से मैं निवेदन करूंगा जी कि जो है धैर्य बना करके कार्य करें, और एक निवेदन यह है कि जो भी मेरे वीडियो को देख रहा है जी तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, और उसके बावजूद में व्हाट्सएप या मैसेज के माध्यम से जुड़े, फोन पे बहुत ही कम मात्रा में करें। देखिए टेलीग्राम, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को टेलीग्राम बनाना चाहिए जी, क्योंकि टेलीग्राम एक ऐसा माध्यम है जहां आप पूरे उत्तर प्रदेश के ग्राम चौकीदार एक साथ जुड़ सकते हैं एक ही ग्रुप में। जी जी जी, व्यवस्थाएं सारी की जा रही है, क्योंकि जब हम लोग इस विभाग में आए तो काफी लोगों को सर लेकर के निकले, लेकिन काफी लोग जो है उस अनुरूप जिस अनुरूप में चलना चाहता था पूरी ईमानदारी पर सत्ता पर पहुंचते पहुंचते जो है काफी लोग फेल हो गए, फिर भी अपार लोगों का 1486 लोगों का सहयोग मिला, और उस सहयोग को पाते हुए हम लोग जो है उस बुलंदियों तक पहुंचे हैं। धीरे धीरे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे, और शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और चौकीदार बंधुओं से मैं एक चीज मांगना चाहूंगा विशेष रूप से जी, कि वो अपने घर से बैठ करके माता पिता गुरुदेव इष्ट का आशीर्वाद प्रदान करें जी, और जो है ईश्वर से कामना करें कि हम बहुत जल्द जीतें, और बहुत जल्द जीत करके हमें जो हक अधिकार बिहार और झारखंड में मिला हुआ है वही हक अधिकार उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारों को मिलेगा। चलिए शुक्ला जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही जानकारी लेते रहेंगे, बीच बीच में इस तरीके के ऑडियो इंटरव्यू रिलीज करते रहेंगे। कभी गोरखपुर आना हुआ जल्दी आऊंगा मैं, तो आपसे एक वीडियो वाला भी आपके साथ एक इंटरव्यू बहुत उम्मीद है जी सर। गोंडा, इलाहाबाद, लखनऊ या जो है गोरखपुर कहीं भी आए तो आपका स्वागत है, आप बात करेंगे। चलिए शुक्रा जी, थोड़ा सा इजाजत चाहूंगा, वीडियो भी काफी लंबा हो गया है जी सर, और मुझे वीडियो रिलीज भी करना है, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि व्हाट्सएप पर आप अपना फोटो सेंड कर दें मुझे, ठीक ठीक, ताकि मैं इसमें लगा सकूं। चलिए शुक्ला जी, जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार।